कुंभ राशि, इस माह के आखिरी चार दिन लाचार होकर जिएंगे आप, खुद को संभालो। 28 अगस्त से 31 अगस्त ये चार दिन कुंभ राशि के लिए कैसे रहेंगे विस्तार से बताने वाले हैं। कुछ ध्यान में रखने वाली बातें, कौन सी घटना आवश्यक होगी उसके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही धनराशि फल, लव राशि फल, स्वास्थ्य राशि फल कैसा रहेगा ये भी बताएंगे और आपको किस तरह से लाचार होकर जीना पड़ेगा वो भी बताएंगे। वीडियो टोटली आपके ऊपर रहने वाला है, इसके लिए इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, वरना आप बहुत बड़ा नॉलेज, बहुत बड़ी बात जो कि आप मिस कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अगर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में प्यार से जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलेगा। तो चलिए बिना गवाई शुरू करते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आर्थिक हानि अभी आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपके ध्यान की जरूरत है, यानी कि ध्यान करते रहेगा। अगर आप हर रोज 15 से 20 मिनट ध्यान करते रहेंगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, जल्दबाज का काम शैतान का होता है। आपको शांत बैठकर जो कि कार्य करना चाहिए, विचार करने और मूल्यांकन में वक्त बिताएं। कुछ खाली समय निकालकर मन की शांति पाना अभी सर्वश्रेष्ठ है। सफलता और आकर्षण से भरे जीवन के इस चरण को आप खुलकर जिएंगे। धन की दृष्टि से आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने इस दिन को और सफल बनाने के लिए आकर्षण और व्यवहार कुशलता का प्रयोग करें। अपने जीवन के निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि आपने यह निर्णय आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए कौन सी घटना आवश्यक है जो होकर रहेगी उसके बारे में। दिन आपके लिए बहुत ही सक्रिय और लोगों से मेलजोल बढ़ाने वाला है। कई लोग आपसे आपकी राय मांगेंगे। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हो सकता है, बेहतर होगा खानपान पर ध्यान दें। आप अपनी छोटी बहन की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, जिससे उसे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इस राशि के जो लोग वैवाहिक है वह अपने साथी पर भरोसा बनाए रखे, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। दोस्तों, ये आखिरी चार दिन लाचार होकर किस तरह से जीना पड़ सकता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इन आखिरी चार दिनों में आपको ऐसे कुछ घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है जिसे देखकर, जिसे आजमा कर आप अपने जीवन में लाचार सा जिएंगे। यानी कि उन घटनाओं से आपको आगे कुछ करने को मिलेगा, या फिर कुछ अच्छी सलाह मिलेगी, या फिर किसी दोस्तों का सहयोग मिलेगा। ऐसी कुछ चीजें आपके जीवन में घटने वाली हैं। यह जो चीज, यह जो घटना है, यह आपके सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़ी हो सकती है, और आप जहाँ पढ़ाई की लिखाई के लिए जाते हैं वहां से भी जुड़ी हो सकती है। कुछ लाचार सा होकर जीना पड़ सकता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपको किसी क्षेत्र में अपमान, किसी यानी कि किसी व्यक्ति से अपमान भी सहना पड़ सकता है, जिससे कि आप इन चार दिनों में लाचार सा जिएंगे, मन आपका शांत नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए अच्छा यही है, अपमान होने से भी अच्छा है, अगर अपमान होंगे तो भी उससे आप ध्यान में रखकर, मन में रखकर कुछ नया करेंगे। यह आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कि सिर्फ कुंभ राशि वालों में पाई जाती है। आप अपमान हुए हो तो भी टेंशन बिल्कुल भी ना ले, इन्हीं अपमान से आप कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। यह आप में अंदर जो कि एक शक्ति है। अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में। कारोबारियों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा, लंबे समय बाद आपको अच्छा फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अचानक काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी यह यात्रा बेहद सुखद रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में स्थिति अनुकूल रहेगी। घर के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता देखने को मिलेगी। यदि कुछ समय से जीवन साथी के साथ आपकी अनबन चल रही है तो अपने प्रिय को मनाने के लिए दिन अच्छा है।
हो सकता है आपके बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाए। पैसों के मामले में दिन खर्चीला रहेगा, घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार ही खर्च करने का प्रयास करें। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आपके लिए धनराशि फल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। कोई महत्वपूर्ण बैठक या मुलाकात आपके दिन को और भी सुनहरा बना सकती है। अचानक मिले धन का प्रयोग आप अपने कार्य के विकास में करेंगे। याद रखें, जिसका ज्ञान पूर्ण है सफलता उसका साथ देती है। यह सफलता और चार्म का दौर है। प्यार और पैसे के मामले को लेकर चिंतित रहने की संभावना बन रही है। आप व्यस्त रहेंगे और कानूनी मुद्दे आपका अधिकतर समय लेंगे। सोच समझकर बोलना आपके पक्ष में काम करेगा। साहस से आप वो हर काम कर सकते हैं जिसकी अभी कल्पना ही कर रहे हैं। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करते हैं। पूरी मेहनत से अपना काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आप पर आपके बॉस की नजर है। अगर आप सेल्स से संबंध रखते हैं तो हो सकता है आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाइयां हो। अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और ये बात बताने की कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आपके लिए लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। यह समय जो कि परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नई योजना बनाने का है। पति पत्नी या लिव इन पार्टनर के साथ नोकझोंक की संभावना बन रही है, लेकिन अपने स्टाइल और प्यारी बातों से आप सब कुछ ठीक कर देंगे। कानूनी समझौते के लिए अभी वक्त उचित नहीं है। आप अपने लव रिलेशनशिप में असाधारण उत्तेजना और उत्सुकता का अनुभव करेंगे। अपने करिश्मे और कुल रवैये का प्रयोग करके जिसे चाहते हैं उससे प्यार का इजहार करें। निश्चिंत रहे, इससे भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप दोनों के बीच का अंतरंग अनुबंध आप दोनों के रिश्तों को जीवन भर का संबंध बना देगा। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप अपनी स्वास्थ्य संबंधित क्रियाओं पर ध्यान देंगे। आप योग और ध्यान के बारे में सोचेंगे जिससे आपका मानसिक स्तर सुधरेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इस माह के आखिरी चार दिन आपके लिए रहने वाला है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह के हर रोज राशिफल के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। और आपके जीवन में जो भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी हल हम आपको जरूर देंगे। साथ ही शादी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उनसे आप व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरू में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।